हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू प्रेप जेके। गाइस, आज हम करने वाले हैं पार्ट टू। हमारा होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का। हमने जो ये सीरीज चलाई है, ये है टॉप 1000 एमसीक्यूज, जिसमें हमने एक जो सेट है वो कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने 100 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। इस सेट में भी हम लोग 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मैराथन सेशंस रहते हैं ये हमारे। रिपीटेडली जो भी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप नए हैं या फिर आप पहले से ही हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। एंड साथ में आपने बताना है 100 में से कितना स्कोर आपका रहा, कितने नए क्वेश्चन आपने यहाँ पर सीखे हैं और किस टॉपिक पर आप वीडियोज़ चाहते हैं। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए। और हमारी ऐप है प्रेप जेके के नाम से, जिसमें वेरियस कोर्सेज हैं आपके एग्जाम रिलेटेड। आप वहाँ से मॉक टेस्ट कोर्सेज ले सकते हैं, फुल लेंथ कोर्सेज ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, आज का जो सबसे पहला हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, कौन से साल में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था। कौन से साल में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था। ऑप्शंस आपके पास है 1614, 1615, 1616, 1617। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। 1616 में बनाया गया था और क्रिश्चियन फोर उस टाइम पर डेनमार्क के किंग थे, जिन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था। और एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो इट वाज 17 मई 1616 को एक चार्टर को इशू करके इन्होंने ये क्रिएट किया था। अब और भी यूरोपियन कंपनीज हैं जो यहाँ पर आई थी, जिसमें जो सबसे पहले नंबर पे हैं वो है पुर्तगीज। सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगीज आए थे। और पुर्तगीज कब आए थे गाइस, फटाफट से बता दो कमेंट बॉक्स में। पुर्तगीज आए थे 1498 में। वास्को डगामा सबसे पहले आया था, सी रूट डिस्कवर किया उसने इंडिया के लिए। कहाँ से, केप ऑफ गुड होप से, जो कि अफ्रीका में है। डच की अगर हम लोग बात करें गाइस, डच की बात करें तो डच यहाँ पे कब आए थे, 1595 में डच आए थे, ये भी आपको याद रखना है। इंग्लिश की बात अगर हम करें कि अंग्रेज़ यहाँ पर कब आए थे, तो इंग्लिश आए थे 1600 में, ये भी आपको याद रखना है। डैनिश की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फ्रेंच की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंच यहाँ पे आए थे 1664 में। अब मैंने आपको बता दिया सीक्वेंस वाइज कौन कब कैसे आया। अब आपने मुझे बताना है सबसे लास्ट तक यहाँ पे जो टिका वो कौन सी कंपनी थी, जो सबसे लास्ट में यहाँ से गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वारन हेस्टिंग को अपॉइंट किया गया गवर्नर कहाँ का इन 1772। वारन हेस्टिंग को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था 1772 में, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या फिर दिल्ली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बंगाल का, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वारन हेस्टिंग के टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो 1732 से लेकर ये चले थे 1818 के बीच में, ठीक है। ये बन गए थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रेजिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ पर है, बंगाल में है 1772 में। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे ये 1774 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने रिजाइन किया था 1785 में। सो बंगाल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, जो रेजोल्यूशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनसी का वो ऐसा सेशन जहां पर फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे रेजोल्यूशन को पास किया गया, वो सेशन कौन सा सेशन था। बेलगांव सेशन 1934, लाहौर 1929, कराची 1931, फेजपुर 1936। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर है कराची सेशन ऑफ 1931। और इसको प्रिजाइड किसने किया था गाइज, इसको पटेल जी ने प्रिजाइड किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल ने इसको क्या किया था, प्रिजाइड किया था। बेलगांव सेशन की बात करें तो महात्मा गांधी ने इसको प्रिजाइड किया था और ये इकलौता ऐसा सेशन है जिसको महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया है, आईएनसी का सेशन। और अब आप मुझे बताएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो किसने बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था कमेंट बॉक्स में वो बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, इनमें से कौन से वॉइस रॉय एसोसिएट करते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के साथ। कौन से वॉइस रॉय एसोसिएट करते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन एसोसिएट करते हैं इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी से। इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 9 फरवरी
1883 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड रिपन ने। और इसमें क्या था कि जो भी केसेस में ब्रिटिश स्टाफ इन्वॉल्व होगा इंडिया में, उसको सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट भी प्रिजाइड कर सकेंगे, ये इल्बर्ट बिल था। लेकिन इस बिल को बहुत अपोज किया था ब्रिटिशर्स ने और जो इंडिगो प्लांटर्स थे बंगाल में। अब लॉर्ड रिपन की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है एग्जाम में, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब आप मुझे बताएंगे लॉर्ड लिटन किससे रिलेट करता है, लॉर्ड लिटन के बारे में आप मुझे बताओ, लॉर्ड कर्जन के बारे में, लॉर्ड लिटन के बारे में, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में भी आप मुझे बताइए, तीनों पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बता दो। अब मैं बात करती हूँ लॉर्ड कर्जन की, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में आप सबको पता होगा 1905 का, वो इन्होंने ही अनाउंस करा था। लॉर्ड लिटन जो है ये किससे रिलेट करते हैं, जो आपके पास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उससे रिलेट करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, दिल्ली में जो शिफ्ट हुई थी कैपिटल 1911 में, वो लॉर्ड हार्डिंग से रिलेट करती है। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था और इसको बैन किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, सुभाष चंद्र बोस को री इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ INC, कौन सा सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरी सेशन था 1939 का। इन्होंने गांधी जी के एक कैंडिडेट को हराया था, उस कैंडिडेट का नाम आप लोगों ने बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, पत्ताबाई सीतारामैया या फिर सेन गुप्ता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पत्ताबाई सीतारामैया, वो कैंडिडेट है जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था INC के त्रिपुरी सेशन में। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कम्युनिज्म के पायोनियर इनमें से कौन से हैं, एस.ए. ढेंगी, जयाकार, M.N. रॉय, नलीन गुप्ता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है M.N. रॉय, कम्युनिज्म के पायोनियर है भारत में थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी जो है चिटागोंग आर्मरी रेड जो हुई थी उसके पीछे कौन सी पर्सनालिटी का ब्रेन था। ठीक है, ग्रेट रेवोल्यूशनरी आपके सामने दिए गए हैं, चिटागोंग कहाँ पर है ये बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने बताना है इसका आंसर। देखिए सबसे पहले तो ये हुई कब थी, ये 18 अप्रैल 1930 में हुई थी, चिटागोंग बंगाल में है, सॉरी बिहार नहीं बंगाल में है, चिटागोंग जो है वो बंगाल में है। चिटागोंग आर्मरी रेड कंडक्ट की गई, इसको कंडक्ट किया था मेंबर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने, जिसको लेड किया था, किसने किया था, सूर्या सेन ने इसको लेड किया था इस ऑपरेशन को, और इनको अरेस्ट कर दिया था 16 अप्रैल 1933 में और इनको हैंग कर दिया था 12 जनवरी 1934 में। राइट, अब लाला हरदयाल की अगर हम लोग बात करें तो लाला हरदयाल जी जनाब जो हैं वो किससे रिलेट करते हैं, ये लीडर है गदर पार्टी के, लीडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, और अब हम चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम लोग बात करें तो इनको बालराज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बालराज निकनेम है, याद रखना है, बालराज कहा जाता है। और इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को, इसका नया नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ये इन्वॉल्व थे काकोरी ट्रेन रोबरी इंसिडेंट ऑफ 1925। जितनी भी चीज़ें मैं ऑरली आपको बोल रही हूँ वो भी आपने याद रखनी है, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सब कुछ मैं लिख नहीं सकती हूँ, तो मेरे पास जितना भी मुझे पता है चीज़ें वो मैं आपको ऐसे बोल के आपको याद करवा लूँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अभिनव भारत सोसाइटी, इसको फाउंड तो 1904 में किया गया था लेकिन किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, भगत सिंह, VD सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष या फिर पुलिन बिहारी दास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है VD सावरकर के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से किसको पॉपुलरली कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, ये तो सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे पता लग जाएगा, फ्रंटियर गांधी इनमें से किस पर्सनालिटी को कहा जाता है, हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान या फिर इकबाल खान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान क्या है, लीडर थे ये पाश्तून के, इसको बच्चा खान भी कहा जाता था, बच्चा खान भी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ़ार खान ने खुदाई खिदमतदार करके एक सोसाइटी बनाई थी, सर्वेंट्स ऑफ गॉड इसको कहा जाता है, रेड शर्ट्स कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, रेड शर्ट्स भी कहते हैं।
खान अब्दुल गफार खान सेकंड पर्सनालिटी थे, सेकंड फॉरनर थे जिनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था कब मिला था, 1987 में मिला था भारत रत्न। फर्स्ट पर्सनालिटी कौन थी जिसको भारत रत्न मिला था, फॉरनर, मदर टेरेसा थी, 1980 में मिला। देन थर्ड फॉरनर थे नेल्सन मंडेला, 1990 में इनको मिला था। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, कौन से इंडियन मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो कौन सा मूवमेंट था जो दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। देखिए ये सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट था, ये आपको याद रखना है सबसे पहले। तो ये कब हुआ था, 12th मार्च को हुआ था, 1930 को हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, किसने प्रिजाइड किया था कराची के सेशन को जहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुए थे फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वाले, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, किसने प्रिजाइड किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, किसने फाउंड की एसोसिएशन नवजीवन भारत सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेवोल्यूशन को फॉस्टर करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, वर्कर और पीजेंट यूथ को इन्होंने इकट्ठा किया था 1928 में। चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, वीडी सावरकर। नवजीवन भारत सभा के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो भगत सिंह को आप टिक कर लेना, यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम, शहीद ए आजम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके न्यूज़पेपर हैं, किसने स्टार्ट करे थे, न्यूज़पेपर, वीकलीज और जितनी भी मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, वो सब आपको याद रखने हैं कौन से किसके हैं। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके हैं, मदन मोहन मालविया, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ये एनी बेसेंट के हैं, सो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट ने तिलक के साथ होम रूल मूवमेंट चलाया था और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी थी ये आईएनसी की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो ये थी, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी थी वो कमेंट बॉक्स में बताओ। आईएनसी का 1917 का सेशन इन्होंने प्रिजाइड किया था कलकत्ता में, ये आपको याद रखना है। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से किस गवर्नर जनरल के टेन्योर में एक अटेम्प्ट दिया गया फर्स्ट टाइम हिंदू एंड मुस्लिम कस्टमरी लॉज को कोडिफाई करने के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकैल्फ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग को हम शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वो ओनली सेशन आई एन सी का जिसको प्रिजाइड किया महात्मा गांधी ने, इसको भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो किस तरीके से वही क्वेश्चन आपको बार बार पूरी वीडियो में देखने को मिलेंगे जो मैं आपको ऑरली बोलती जा रही हूँ। बेलगाम सेशन था, फैजपुर था, अलाहाबाद था, कराची था, ये सेशन था बेलगाम सेशन और कब का था, 1924 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट न्यूज़पेपर, पहला न्यूज़पेपर जिसने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन July 6, 1905। सबसे पहले तो लॉर्ड कर्जन ने इसको अनाउंस किया था, ये भी आपको याद रखना है, किसने अनाउंस किया था, लॉर्ड कर्जन ने। स्वराज, संजीवनी, कलंतार या फिर आनंदा बाजार पत्रिका, वो कौन सी पत्रिका था जिसने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो थी संजीवनी। संजीवनी को किसने स्टार्ट किया था, ये किया था के के मित्रा ने। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बता दो कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आगे भी देखो और जो भी नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिल रहे हैं वो सीखो और जो रिवीजन हो रही है उसको भी होने दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन सी कंट्री में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी को फॉर्म किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी को कौन सी कंट्री में फॉर्म किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, फ्रांस, यूके, जर्मनी, यूएसए। इसका आंसर है जर्मनी में, सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बर्लिन कमेटी भी कहते हैं, बर्लिन कमेटी भी इसको कहते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे इसको जर्मनी में बनाया गया था 1914 में बाय इंडियन स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से साल में लैंड होल्डर सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया गया था भारत में,
इसके ऑप्शंस है 1806, 1828, 1838, 1850. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लैंड होल्डर सोसाइटी को फाउंड किया गया था 1838 में, और ये कहाँ पे फॉर्म किया गया था ये क्वेश्चन भी आता है, तो कलकत्ता में फॉर्म किया गया था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन से एक्ट के अंदर सिविल सर्विसेज को भारत में स्टार्ट किया गया था. कौन से एक्ट के अंदर सिविल सर्विसेज को भारत में स्टार्ट किया गया, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, 1793. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1853. सिविल सर्विसेज को एक ओपन कॉम्पिटिशन बनाया गया था, लेकिन इसके जो एग्जाम्स थे वो सिर्फ लंदन में ही होते थे. ठीक है, लंदन में ही एग्जाम्स होते थे. वारन हेस्टिंग ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, लेकिन अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है, तो वो है चार्ल्स कॉर्नवालिस. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो डिस्पैच, हर्टोग, कमेटी रिपोर्ट, माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन, नन ऑफ द अबो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो डिस्पैच जो था ऑन एजुकेशन 1854 में, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. हंटर कमीशन जो है, हंटर एजुकेशन कमीशन, वो लॉर्ड रिपल लेकर आया था, ये भी आपको याद रखनी है. हंटर एजुकेशन कमीशन रिपन लेके आया था. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया. इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया किसने फाउंड किया है, भीमराव अंबेडकर, विठल रामजी शिंदे, अनभाव साथे, शांताबाई कांबले. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है महर्षि विठल रामजी शिंदे. और कब किया था, 18 अक्टूबर 1906 में, 18 अक्टूबर 1906 में, अंबेडकर के साथ. इसको कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द पेरिस इंडियन सोसाइटी. पेरिस इंडियन सोसाइटी के निर्माता का नाम आपने बताना है. ऑप्शन है एस आर राणा, बिकाजी कामा, तारकनाथ, लाला हरदयाल. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिकाजी कामा. और इसको पेरिस में कब फाउंड किया गया था, 1905 में. पेरिस किसकी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में बता दो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द जर्नल कॉल्ड इंडियन सोशोलॉजिस्ट. इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो जर्नल है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा था. इंडिया हाउस, गदर पार्टी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बर्लिन कमेटी. इंडिया हाउस ने इसको पब्लिश करा था, और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इनको प्रमोट किया था. ठीक है, किसने, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसको प्रमोट किया गया था इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, 1905 से लेकर 1910 के बीच में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या फिर दादाभाई नौरोजी. ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. इनको और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस एंड प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. ये आपको याद रखना है. सती सिस्टम को बैन करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था. किस गवर्नर जनरल के साथ मिलकर इन्होंने सती सिस्टम को 1828 में बैन करवाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. संवाद कौमुदी इन्हीं की एक वीकली है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्सनालिटी ने कहा कि सेफ्टी वैल्यू थ्योरी फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस दी थी. इनमें से किस पर्सनालिटी ने सेफ्टी वैल्यू थ्योरी दी थी INC के लिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, MN रॉय. ये दी थी लाला लाजपत राय ने. लाला लाजपत राय ने यूज़ किया था सेफ्टी वैल्यू थ्योरी यंग इंडिया में, कब, 1916 में, और कहा था इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ लॉर्ड डफरिन. ये किसका प्रोडक्ट है, लॉर्ड डफरिन का प्रोडक्ट है. लॉर्ड डफरिन INC से रिलेट करते हैं, तो कैसे रिलेट करते हैं वो आप मुझे बताएंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रहे, इंदुलाल याग्निक, NG रंगा, EMS नबूदीरी पाद, शंकर दयाल शर्मा. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है EMS नबूदीरी पाद. और ये इंडियन कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन है, और ये केरला के चीफ मिनिस्टर बने थे, ये आपको याद रखना है. और बात करते हैं, जो मैंने अभी आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने आपसे पूछा था लॉर्ड डफरिन जो है वो INC से कैसे रिलेट करते हैं. जब INC को बनाया गया था 1885 में, तो उस टाइम के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डफरिन ही थे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट का इमीडिएट कॉज आप लोगों ने बताना है. विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, फेलियर ऑफ अगस्त, ऑफर अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी.
तो क्विट इंडिया मूवमेंट इमीडिएट कॉज क्या था? वो था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का फेल होना, और ये कब आया था? 1942 में आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने स्टार्ट किया था, किसने कहा था रोलाट एक्ट जो है वो एक प्रिवेंटिव मर्डर है, किसने कहा था ये? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, एडविन सैमुअल मोंटेगो, जवाहरलाल नेहरू, ये कहा था एडविन सैमुअल मोंटेगो ने, तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने कहा कि रोलाट एक्ट जो है वो एक प्रिवेंटिव मर्डर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सी सिटी ने फर्स्ट इंस्टेंस देखा था महात्मा गांधी के सत्याग्रह का? सूरत, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला हुआ था चंपारण बिहार में, ये आपको याद होगा, राजकुमार शुक्ला जी ने इनको इनवाइट किया था इंडिगो कल्टीवेटर के कॉज को प्रमोट करने के लिए, 1917 बिहार, ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी आए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल? फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल कौन सी थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर पार्टी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति वन ऑफ द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऑपरेट कर रही थी बंगाल में, और इसको फाउंड किया था सतीश चंद्र बोस ने, सतीश चंद्र बोस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड किसने लिखी है? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार, तो ये अरबिंदो घोष जी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद रखना है, और इसको पब्लिश किया था 1893 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग दीज इज अ थॉट ऑफ एज अ पायोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म को कौन प्रमोट करता है? मदन मोहन मालवीय, आर सी दत्त, बिपिन चंद्र पाल या फिर गोखले जी? गोखले जो है वो पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी के, और कहा जाता है कि जिन्ना के भी ये पॉलिटिकल गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी इनकी ही एक देन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आर सी दत्त, पायोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर सी दत्त मीन्स रोमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन से साल में लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था? लियाकत नेहरू पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली में साइन हुआ था। अभी कह रहे हैं कौन से ईयर में हुआ था? 8 अप्रैल 1950 में हुआ था, तो ये 8 अप्रैल 1950 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के बीच में जो टेंशन बढ़ती जा रही थी उस दौरान इसको साइन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेज नेशनल फ्लैग को फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था इंडिया में? लखनऊ, नागपुर, कोलकाता या फिर दिल्ली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोलकाता, ठीक है। द फर्स्ट नेशनल फ्लैग इन इंडिया इज सेड टू हैव बीन होस्टेड इन इन कोलकाता, और कब? 7 अगस्त 1906 में, इन द पारसी बेगान स्क्वेयर, ग्रीन पार्क जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप इतने कन्फ्यूज हो सकते हो, जिसको पता है ना वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी INC के प्रेजिडेंट थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है JB कृपलानी, जी हाँ, नेहरू के साथ नहीं जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद के साथ नहीं जाएंगे, आज़ादी के दौरान JB कृपलानी जी जो हैं वो प्रेसिडेंट थे INC के, और इनसे पहले थे नेहरू, नेहरू थे 1946 में, और आज़ादी जब मिल गई तो देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहाँ पे पूछा है INC के, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इन द नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट कॉइन्स जो है इंडिया में स्ट्रक किए थे? जहांगीर, फरुखसियार, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, तो ये फरुखसियार के नाम पर हुए थे, सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC दादाभाई नारोजी को फर्स्ट टाइम इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेजिडेंट? तो दादाभाई नारोजी को फर्स्ट टाइम प्रेजिडेंट इलेक्ट किया गया तो वो कौन सा सेशन था? सबसे पहले तो आपको याद रखना है INC के पहले प्रेजिडेंट थे WC बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी जो हैं वो पहले प्रेजिडेंट थे 1885, बॉम्बे सेशन था ये, ठीक है, बॉम्बे सेशन था पहले ये थे, दूसरे थे दादाभाई नारोजी, दादाभाई नारोजी थे 1886 में, और इन्होंने जो प्रेजाइड किया था सेशन वो था आपका कौन सा? कलकत्ता का सेशन,
राइट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बेलगांव सेशन एक आपको याद रखना है 1924 का, जिसको गांधी ने लीड किया था और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 के सेशंस को प्रेजाइड किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी ने एक ब्रांच ओपन की थी मुस्लिम लीग की, कहाँ पर? लंडन में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लंडन का तो मैं बता दूंगी, मुस्लिम लीग के फाउंडर का नाम बताओ और कहाँ पर कौन सी प्लेस में फाउंड किया गया वो बता दो। आगे भी उस पर क्वेश्चन हैं तो वो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। फिलहाल आप बता दो कौन सी जगह, प्लेस और पर्सनालिटी और डेट भी बता दो, ठीक है? लंदन में किसने किया? आगा खान, अमीर अली, मोहम्मद अली जिना या फिर चौधरी लियाकत अली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमीर अली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड द फेमस ड्रामा नील दर्पण इन इंग्लिश। सबसे पहले नील दर्पण लिखी किसने है, ये लिखी है दीन बंधु मित्रा ने लिखी है, ठीक है? दीन बंधु मित्रा ने लिखी है नील दर्पण। अब इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्रा, हरिश्चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मधुसूदन दत्त ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश एंड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। महिला राष्ट्रीय संघा या फिर राष्ट्रीय स्त्री सभा, नारी सत्याग्रह समिति, वुमेन एसोसिएशन ऑफ बंगाल। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया और ये फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो थे महिला राष्ट्रीय संघा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब, हु कमिटेड द मोस्ट डेयरिंग मर्डर ऑफ सर कर्जन विली इन 1907 इन अ पब्लिक मीटिंग इन लंदन। तो किस पर्सनैलिटी ने इसको मार दिया था? बी एन दत्ता, एम एल ढींगरा, सरदार अजीत सिंह, एस सी चैटर्जी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एम एल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये मैंने आप पहले भी आपको बताया किसने इम्पोज किया और किसने रिपील किया, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करने वाली पर्सनैलिटी लॉर्ड रिपन थी, इन्होंने 1881 में इसको क्या किया था, रिपील किया था। और लॉर्ड लिटन ने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1878 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, एक बैन था लोकल न्यूज़पेपर्स पर, जो भी कॉलोनियल रूल के बारे में लिखते थे उन पर बैन कर दिया जाता था। तो जो भी पब्लिश करना है आपको, पहले आपको ब्रिटिश अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ईयर में सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम को ओपन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। कौन से ईयर में सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम को ओपन किया गया बिटवीन इंडिया एंड यूरोप? 1860, 1862, 1865, 1880। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1865 से लेकर 1866 के बीच में इसको किया गया था ओपन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन से सेशन में कंसेशन दिया गया था कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम लीग को, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट कर दिया था 1916 में। 1916 में गाइस कौन सा सेशन हुआ था, अगर आपको वो पता है तो आप इसका आंसर दे दोगे। कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर लाहौर। ये था लखनऊ सेशन 1916 का। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, आफ्टर द फेलियर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड। स्वराज पार्टी को इनमें से कौन से मूवमेंट के फेलियर के बाद बनाया गया था? क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसऑबिडियंस या फिर स्वदेशी मूवमेंट। अगर आपको पता है स्वराज पार्टी को कब बनाया गया था तो आप इसका आंसर भी लगा दोगे। 1923 से पहले कौन से मूवमेंट हुए थे? नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट हुए थे। इसका आंसर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, फिर 1923 के जो इलेक्शंस हुए उसके बाद क्या हुआ, स्वराज पार्टी का को बनाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड लीडर्स संवाद कौमुदी। ये किसकी है, ये मैंने अभी आपको पहले बताया था, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा किशोर भट्टाचार्य। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय की है, अकबर सेकंड ने राजा का टाइटल इनको दिया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इन इंडिया। कौन पर्सनालिटी फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इन इंडिया लेकर आया? पुर्तगीज, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश। तो ये पुर्तगीज लेकर आए थे, पुर्तगीज कब आए थे फटाफट से बताओ, 1498 में आए थे, वास्को डी गामा आया था केप रूट, केप ऑफ गुड होप से, अफ्रीका से। अब बाकियों का आप बता दो कब कौन आया था, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा के टाइम पे सबसे ऊपर कोर्ट कौन सा था? फेडरल कोर्ट, प्रेजिडेंसी सुप्रीम कोर्ट, प्राइवरी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ये था प्राइवी काउंसिल, ठीक है।
तो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि 28 जनवरी 1950 में इंडिया का सुप्रीम कोर्ट सक्सीड करता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एंड द प्राइमरी काउंसिल जो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी थी कंट्री में ब्रिटिश एरा के टाइम पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, इनमें से कौन से सिख गुरु को कहा जाता है कि उन्होंने हरमिंदर साहिब को कंप्लीट किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु अमर दास जी। ये हैं गुरु अर्जुन देव जी जिन्होंने इसको कंप्लीट किया था। गुरु रामदास जी ने गोल्डन टेम्पल की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द ग्रुप ब्रदर्स ऑफ इंडिया? तो ब्रदर्स ऑफ इंडिया किस पर्सनालिटी ने ये ग्रुप फॉर्म किया है? एनी बेसेंट, जॉर्ज फ्यूरस्टीन, एचएस ऑलकॉट, एलन वैल्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं गाइज, अभी तक हमने 100 में से 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी नए आपने सीखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अभी तक बने हो वीडियो में जो भी लोग, लाइक कर दो वीडियो को, सेशन को शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लग रहा है वीडियो। आगे प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड हाफ के वीडियो पे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड हाफ जो स्टार्ट होगा। 51st क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सी कंट्रीज में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीगन को ऑर्गेनाइज किया था? सिंगापुर, जर्मनी, जापान या फिर इटली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जर्मनी में। द इंडियन लीगन आर द फ्री इंडियन लीगन वॉज अ मिलिट्री यूनिट जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो कौन से ईयर में साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ सूरत कब साइन हुई थी, कौन से ईयर में? 1475, 1575, 1675, 1775, it was on 6th March 1775 जब सूरत की ट्रीटी साइन हुई रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, कहाँ पर? बॉम्बे में। एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी? 6 मार्च 1775, रघुनाथ राव वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ पे हुई थी? एट बॉम्बे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अज्यूम कर दिया था और नया ब्रिटिश राज यहाँ पे स्टार्ट हो गया था? तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद आपको 1858 में ये सब देखने को मिला था। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का ये एक्ट था। जस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जेके एस जैसे एग्जाम्स में बड़े लेवल पे ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस करी थी? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड डलहौजी। इट वॉज लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने पॉलिसी ऑफ लैप्स जो है इंट्रोड्यूस करी थी। और पॉलिसी ऑफ लैप्स में क्या था गाइज कि इंडियन रूलर, जो भी ऐसा इंडियन रूलर है, अगर वो अपने मेल हायर के बिना मर जाता है तो उसका जो किंगडम है ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब फॉर्म किया गया था? 1885, 1887, 1888, 1895। में इसको फॉर्म किया गया था 28 दिसंबर, एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी है, 28 दिसंबर 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में विद 72 डेलीगेट्स जिन्होंने इसके फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पास किया गया था? मैंने आपको पहले बताया इसको इंट्रोड्यूस किया था लिटन ने और इसको बैन किया था रिपन ने। और पास कब किया था अब आपसे ये पूछा जा रहा है, 1878, 1881, 1888, 1898। इसका करेक्ट आंसर है 1878। ठीक है, तो ये जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1878 को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जो भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के, जो भी लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर है, उनको सबसे पहले अपना कंटेंट दिखाना पड़ेगा पुलिस को बिफोर पब्लिशिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी तब इंग्लैंड को कौन रूल कर रहा था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टाउट्स। ठीक है, स्टाउट्स रूल कर रहे थे, स्टाउट्स वर द फर्स्ट किंग ऑफ द यूके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, महर्षि दयानंद सरस्वती एक इंपॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस स्कॉलर, रिफॉर्मर और फाउंडर, किसके फाउंडर हैं? कौन? महर्षि दयानंद सरस्वती। आर्य समाज को फाउंड किया था, ब्रह्मो समाज को, रामाकृष्णा मिशन को, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। इन्होंने फॉर्म किया था किसको? आर्य समाज को। तो महर्षि दयानंद का जो निकनेम है वो है मूल शंकर, मूल शंकर भी आपको याद रखना है।
आरएसएमआर से ये रिलेट करते हैं। किसने इंडिया हाउस को फाउंड किया था लंदन में और बाकी रेवोल्यूशनरी को गाइड किया था? सर औरबिंदो घोष, लोकमान्य तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भगत सिंह जी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस को 1905 में इन्होंने लंदन में फॉर्म किया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इनडायरेक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी है? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो इसको लिखा गया है 1875 में बाय दयानंद सरस्वती, 1875 में बाय दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कौन से साल में ज्योतिबाई फुले ने फॉर्म किया था सत्यशोधक समाज? सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है सत्यशोधक समाज किसने इस्टेब्लिश किया है? ज्योतिबा फुले ने, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ। और ये कब किया है? 1873, 1853, 1883, 1889। तो ये किया था 1873 में। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है किसने फॉर्म किया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875? तो इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा सर सैयद अहमद खान, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है इंडिया में वाहबाई मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाहबाई मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया? सर सैयद अहमद ऑफ राय बरेली, विलायत अली, मोहम्मद अली, जहांदाद खान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सैयद अहमद ऑफ राय बरेली, और ये 1820 में किया था। कब किया था? 1820 में। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हु स्पीचेज एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन सितंबर 1893 मेड हिम फेमस एज एन ओरेटर बाय डिवाइन राइट एंड एज अ मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। सबसे पहले इतना ही याद रखो कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का जो स्पीच है वो किसने किया था? स्वामी विवेकानंदा, श्री रामकृष्णा, चंद्रशेखर देव, श्यामाचरण सेन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद की स्पीच थी। नमाज हो रही है तो मैं पॉज करने के बाद दोबारा आपसे जुड़ूंगी, ठीक है? नमाज होने दो। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है द थियोसॉफिकल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया था कौन से साल में सो दैट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स और सर्च फॉर ट्रूथ जैसी फिलॉसफी को प्रमोट किया जा सके? 1842, 1843, 1845, 1875। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा 1875 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने फॉर्म किया था? ब्लावाट्सी और ऑलकॉट ने। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्लावाट्सकी एंड ऑलकॉट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है अ स्टडी इन कॉन्शियसनेस किसने लिखी है? अ स्टडी इन कॉन्शियसनेस एनी बेसेंट, मृणाल गोर, प्रसाना कुमार टैगोर, राजकुमार सेन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एनी बेसेंट, 1904 में इन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है किसने स्टार्ट किया यंग मेन्स इंडियन एसोसिएशन 1914 में? एनी बेसेंट ने, स्वर्ण कुमारी देव ने, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा एनी बेसेंट ने इसको भी स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है श्रद्धा सदन बॉम्बे को किसने स्टार्ट किया? श्रद्धा सदन बॉम्बे में किसने स्टार्ट किया था? रामाबाई सरस्वती, सराला देवी, या फिर एडविन मोंटेगू, या फिर दोरोथी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंडिता रामाबाई। सो यहाँ पे रामाबाई सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किया था स्टार्ट इन्होंने 11 मार्च 1889 में, ठीक है जी? ये आपको याद रखना है होम फॉर लर्निंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है किसने स्टार्ट किया आर्य महिला समाज इन पुणे? आर्य महिला समाज इन पुणे किसने फॉर्म किया है? रामाबाई सरस्वती, या फिर स्वर्ण कुमारी देवी, क्लेम्स फोर्ड, या फिर एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो है रामाबाई सरस्वती जी। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जेके एस में भी ये क्वेश्चन आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया रोमिला थापर, इरफान हबीब, एस सी घोष, दादाबाई नारोजी इज द करेक्ट आंसर। दादाबाई नारोजी को किस नाम से जाना जाता है गाइस? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है? ये आपको याद रखना है। 1901 में ये स्टार्ट हुआ था, 1901 में ये लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है हु इज द ऑथर ऑफ सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? हु इज द ऑथर ऑफ सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? अक्षय रमन लाल देसाई, धर्म कुमार,
रे चौधरी के राजायन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अक्षय रामन लाल देसाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे। फर्स्ट वॉइस रॉय रॉबर्ट क्लीव, विलियम बेंडिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कनिंग। देखिए लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइस रॉय थे लॉर्ड कनिंग, तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कनिंग की वॉइस रॉयशिप की बात करें, ये कब तक कब से रहे, 1852 से 1862 के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आम है और बहुत कंफ्यूजन होती है, पहले गवर्नर जनरल इंडिया के, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के, पहले गवर्नर बंगाल के, वॉइस रॉय, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने बताना है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वारन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत के, ब्रिटिश इंडिया के पहले वो थे विलियम बेंटिक। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1835। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से कौन रिलेट करता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डलहौजी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड वेल्सले। ठीक है, इंडियन रूलर जो है वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे, सब्सिडरी अलायंस में कुछ ऐसे रूल्स थे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु प्रीच द आइडिया ऑफ होम रूल थ्रू हिज टू न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा। ये किसके न्यूज़पेपर हैं, केसरी एंड मराठा, और इसके थ्रू इन्होंने होम रूल मूवमेंट को प्रीच किया था। गोखले, एनी बेसेंट, तिलक या जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इनके दो न्यूज़पेपर्स थे, एक था, दो वीकलीज हैं इनकी, केसरी, केसरी जो थी इसको द लाइन कहते हैं, और ये मराठी लैंग्वेज में थी, और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हिंदू महासभा को कब फॉर्म किया गया। 1901, 1906, 1915, 1925। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा को 1915 में फॉर्म किया था, मदन मोहन मालवीय ने। आई होप यहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें, आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया था कहां पर। ये मैंने आपको पूछा भी था ना, देखो क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले तो कह रहे हैं दिसंबर कौन सी ईयर में इसको फॉर्म किया गया, 1901, 2, 6 या फिर 46। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को एग्जैक्ट डेट क्या है, 30th दिसंबर 1906 में कहां पर, ढाका में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये जेकेएस क्वेश्चन आया हुआ था, नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला ने इसको फॉर्म किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गणपति फेस्टिवल को कब से स्टार्ट किया गया। तिलक ने स्टार्ट किया था पुणे में, तिलक ने किया था पुणे में स्टार्ट, और कब से किया था, 1792, 1793, 1893, 1904। इसका करेक्ट आंसर है 1893। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनॉग्रेशन ऑफ द गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल वॉज डन बाई, किसने इनॉग्रेट किए। अभी मैंने बता दिया, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। होम रूल मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था एनी बेसेंट के साथ। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने खत्म करा था, किसने एनल किया था, इसको स्टार्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, लॉर्ड कर्जिन ने 1905 में। 1911 में गाइज क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग ने इसको एनल किया था। किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, और कैपिटल भी शिफ्ट कर दी थी कलकत्ता से दिल्ली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किसने, किसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये मैंने अभी आपको बता दिया है, रनाडे, दादाभाई नारोजी, सरकार या फिर चक्रवर्ती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दादाभाई नारोजी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी लिखी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने एडिट किया जर्नल पूर्ण सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा को किसने एडिट किया। गोखले, डब्ल्यू सी बैनर्जी, रनाडे, एस एन बैनर्जी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गोखले, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। गोखले जी ने 1884 में ग्रेजुएशन के बाद डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ज्वाइन किया था, जिसको रनाडे ने फाउंड किया था। फिर इन्होंने इस सोसाइटी को सर्व किया 12 साल तक वेरियस कैपेसिटीज एज अ स्कूल मास्टर। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्वार्टरली जर्नल ऑफ पूना सार्वजनिक सभा को एडिट करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ। ये हम सबको पता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, किसने किया, किसने किया बता दो, कब हुआ था, 1804 1805 1904 1905। तो ये 1905 में हुआ था, ये हम सबको पता है। किसने किया है आप बता दीजिए, एनएल किसने किया है वो भी आप लोग मुझे बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन
डैश डैश इन 1856। तो मोहम्मडन एसोसिएशन को कौन सी जगह पे फॉर्म किया गया था 1856 में, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, नवाब अब्दुल लतीफ ने इसको फॉर्म किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हिंदू पायोनियर स्टार्टेड इन, हिंदू पायोनियर कब स्टार्ट हुई थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये स्टार्ट हुई थी 1838 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वेयर डिड द ब्रिटिश फर्स्ट ओपन देयर फैक्ट्रीज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज ओपन की, असम, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उड़ीसा में किया था और 1633 में किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, फोर्ट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट जॉर्ज, नन ऑफ द अबो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्ट विलियम, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगीज ने कैप्चर कब किया था, गोवा को पुर्तगीज ने कैप्चर कब किया था, 1479 AD, 1575 AD, 1510 AD, 1600 AD। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1510 AD में, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैंने इंडिया बताया था, चलो इंडिया का बता दो, बंगाल का मैं बता देती हूँ, इंडिया का मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्ली, विलियम बेंटिंक, वेलेस्ले, वारन हेस्टिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वारन हेस्टिंग, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल, किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड डलहौजी। ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828, किसके साथ मिलके, राजा राम मोहन रॉय के साथ, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके इसको इलीगल किया गया था। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, वो है लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं हमारे। द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इन 1920 वाज प्रेजाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, एमएम जोशी। इसका जो आंसर है वो है लाला लाजपत राय। फर्स्ट सेशन जो ऑल इंडिया कांग्रेस का हुआ बॉम्बे में 1920 में, उसको लाला लाजपत राय ने और दीवान चमन लाल ने 1920 में प्रेजाइड किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने फाउंड किया था फेर्गुसन कॉलेज एट पुणे इन 1885, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, भारतीय सेवक समाज, समाज सेवा संघ, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, फर्स्ट न्यूज़पेपर भारत का कौन सा था, इंग्लिश न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, बंगाल गैजेट, कलकत्ता गैजेट, बंगाल जर्नल, बॉम्बे हेराल्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बंगाल गैजेट, और ये लिखी थी जेम्स अगस्तक हिकी ने 1779 में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने भाऊविवाह जो है लिखी है, भाऊविवाह, राजा राम मोहन रॉय, पंडित रामबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड भागवत गीता टू इंग्लिश, इंग्लिश में भागवत गीता को फर्स्ट टाइम किसने ट्रांसलेट किया, विलियम जोनस, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगहम, जॉन मार्शल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चार्ल्स विल्किंस ने इसको 1785 में पब्लिश किया था इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, लास्ट 5 क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल कौन से थे जब पहला सेंसस हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड, सर जॉन नेपियर। इसका आंसर है लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो थे जब पहला सेंसस हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो वॉइस रॉय बताने हैं जब रोलार्ट एक्ट पास हुआ, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवल। इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, उस टाइम पे थे। मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था, ये भी आपको याद रखना है, रोलार्ट एक्ट के टाइम पे ये थे यहाँ पे वॉइस रॉय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस किया था, विलियम बेंटिक, चार्ल्स वुड, डलहौजी, ऑक्टेवन ह्यूम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विलियम बेंटिक, कब किया था, 1835 में किया था। थॉमस बेबिंगटन भी अगर ऑप्शन आएगा तो वो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर के नाम बताइए, दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एओ ह्यूम। इंडियन एसोसिएशन को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने फाउंड किया है, सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है गाइज, आई होप कि आप सबकी एनर्जी लेवल अच्छी से होगी। फर्स्ट इंडियन लीडर जो इम्प्रिजन हुआ, ये हमने पहले जो सेट किया है उसमें भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इंडियन लीडर जिसको जेल हुई थी, सी
विजय राघवचारी, बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दादाबाई नारोजी, इसका आंसर है सी, विजय राघवचारी, ए विल बी द राइट आंसर। 100 में से कितने क्वेश्चन आते थे, कितने नए क्वेश्चन सीखे हैं, कितने क्वेश्चन आते थे पर आप कंफ्यूज थे वो भी आपने सीखे, वो सब कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए। एक्चुअली गाइस मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, सेम वीडियो, बट उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सिर्फ जो मैं लिख रही थी प्रेजेंटेशन था उसमें सब कुछ था बट वॉइस नहीं था। तो आज दोबारा से मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ गया, पूरा 45 मिनट 50 मिनट का लेक्चर था, बहुत हैक्टिक हो जाता है बार बार एक ही वीडियो को रिकॉर्ड करना। सो कल छोड़कर फिर मैंने अभी रिकॉर्ड किया है और इसको एडिटिंग वेडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर ये आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।